हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुकंद सरंगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रैवल विद सुकंद सरंगी। आज हम आए हैं देवझर वाटरफॉल या डियांझर वाटरफॉल देखने के लिए। ये वाटरफॉल तालापुंजी विलेज के पास है, नरसिंहपुर ब्लॉक कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नरसिंहपुर से ये 25 किलोमीटर दूर में ये वाटरफॉल है। ये बहुत फेमस वाटरफॉल है। चलिए आइए देखते हैं ये वाटरफॉल। ये वाटरफॉल का तीन चार नाम तो है, डियांझर वाटरफॉल भी लोग बोलते हैं, देवझर वाटरफॉल भी बोलते हैं, देवझरम भी बोलते हैं। जब आप आएंगे तो मेन रोड पे आपको ये साइन बोर्ड मिल जाएगा वाटरफॉल का, इसलिए आपको ये वाटरफॉल पहुंचने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। वाटरफॉल तक आने के लिए रोड बहुत बढ़िया कंडीशन में है। ये वाटरफॉल देखने के लिए हमें थोड़ा डिस्टेंस फॉरेस्ट में ट्रेकिंग करना पड़ेगा। ये बहुत फेमस वाटरफॉल है लोकल्स के अंदर। आप जैसे देख सकते हैं मेरे सामने लोग कंधे पे सब सामान लेके जा रहे हैं पिकनिक का। ये जो वाटरफॉल है ये 130 किलोमीटर है कटक शहर से और 113 किलोमीटर है भुवनेश्वर शहर से। ये बाहर की दुनिया के लिए अननोन है काफी हद तक, लोकल्स के लिए लेकिन फेवरेट पिकनिक डेस्टिनेशन है। जो नेचर लवर्स है उनके लिए ये नेचर पैराडाइज है, वो लोग यहाँ आके खुश हो जाएंगे। दोस्तों एक बात याद रखिए, ये आसपास में कहीं पर कोई दुकान नहीं है, तो इसीलिए आप अगर यहाँ आते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान पानी सब लेके आइए। अभी तक मेरा ट्रेकिंग चल रहा है, देखते हैं और कितना टाइम चलता है। मैं एक छोटा सा पगडंडी में जंगल के अंदर जा रहा हूँ, बहुत घना जंगल है। दूसरों के साथ चलते जा रहा हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है वाटरफॉल पहुंचने के लिए। लग रहा है हम लोग वाटरफॉल पहुंच गए। दूर से तो वाटरफॉल बहुत सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों आप भी मेरे पीछे वाटरफॉल देख सकते हैं, अभी करीब करीब हम लोग 50 मीटर दूर में है वाटरफॉल से। यहाँ से वाटरफॉल का हाइट तो पता नहीं चल रहा है, मैं नजदीक जाता हूँ देखने के लिए कितना ऊंचा है वाटरफॉल। Thank you.
तो दोस्तों ये है देवझर वाटरफॉल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल करीब करीब 40 फीट हाइट का है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये वाटरफॉल देख सकते हैं और चारों तरफ का जंगल भी देख सकते हैं। ये वाटरफॉल पहुंचने के लिए आपको जंगल के अंदर करीब करीब आधा किलोमीटर ट्रेकिंग करना पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है घने जंगलों के अंदर। ये जो वाटरफॉल है इसके ऊपर में एक बड़े विहार गुफा है, वहां पर बोला जाता है साधु सन्यासी रहते हैं, मैं तो अभी वहां नहीं जाने वाला। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर देखा हूँ, जो लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं वो इस जगह को साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं, ये बहुत गंदा बात है। हमें जंगल और ये आसपास एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कमिंग ईयर्स में उड़ीसा गवर्नमेंट इस एरिया को सुंदर बनाने के लिए प्रोजेक्ट लेके इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट का काम करेगा। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। इनक्रेडिबल ओडिशा, इनक्रेडिबल इंडिया।